अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिदा बुटीक। तो यहाँ देखिए, इसके अब्बा नारियल लेकर आए। नारियल फोड़ के रयान को नारियल पानी दिया, अब इसमें से खोपरा निकाल रहे। यहाँ देखिए, रयान पानी पी रहा है नारियल का। हम लोग बैठे हैं नाश्ते के लिए। देखिए, रयान के लिए मैंने नरम इडली मंगाई हूँ, अभी खिलाती हूँ उसको। यहाँ पर दूध गरम कर दिए, अभी चाय रखी हूँ मैं पकने के लिए। यहाँ पर मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म डाली हूँ धोने। यहाँ पर मैंने देखिए जो मच्छी सफाई करके रखी थी वो मच्छी मैं निकाली हूँ। इसमें मैंने अदरक लहसुन नींबू और नमक लगा के रखी थी। अभी इसको फ्राई करूँ कि सालन बनाऊँ, अभी सोच रही हूँ। ये देखो, कल से अभी ठीक था, कुछ मालूम नहीं हुआ है। अभी देखो, सुबह से तड़प रहा है, अब दर्द हो रहा लगता। अब किर 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 कर रहा है मेरे पीछे। आ जा आ जा, आ थोड़ा खा लिया, आ जा। मैं देखो गंजी बनाई, अब वो इडली खिलाई सुबह, फिर भी उसको नहीं हो रहा है, तेज जर्रा भी लग रहा है तो रो रहा है। उसके लिए रवा बनाई, अब क्या करता। आ आ मेरे बच्चा, आ थोड़ा सा खा लिया, अब दर्द की दवा पिला देती हूँ। आ जा, खाया नहीं तो दर्द की दवा में कैसे पिलाओ मेरा बच्चा। आ जा आ जा आ जा, देखो देखो, जैनब ने फ्राइड राइस बनाई, उसको भूख लग रही है तो उन्हें फ्राइड राइस बना के खा रही है। आपके अब्बा देखो खाना खाने आए, अभी वो खाना खाते बैठे। मच्छी फ्राई करके दाल रोटी के साथ दी हूँ। अभी जा रही हूँ मैं रयान को लेके हॉस्पिटल, दिखाने जा रही हूँ। डॉक्टर बोले थे उसको लेके आने के लिए, इसके लिए मैं रयान ये देखिए इसके अब्बा मैं और रयान जा रहे हैं। ये देखिए, अभी हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए, अभी हम लोग रास्ते में है। और ये देखिए, ये डी मार्ट है, यहाँ पर बहुत बड़ा डी मार्ट है। और पता नहीं आज देखिए, आज ट्रैफिक भी है रास्ते में बहुत। अभी यहाँ पर ही देखिए, जो थोड़ा आगे गए तो हॉस्पिटल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक है। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल के पास। यहाँ पर हम लोग साइड में गाड़ी खड़ा की है, अभी हम लोग थोड़ा ही है, वहाँ चल के चले जाएंगे। ये देखिए, मैं रयान को साइड से लेकर जा रही हूँ। ये देखिए, आ गया हॉस्पिटल, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। उसको ओपन करो जरा, होट में भी देखो थोड़ा ऐसा। मैं हाथ भी लगाने नहीं दे रहा हम लोगों ने, ऊपर वाला दांत लाइट से आ रहा भी नहीं है कुछ बराबर। मोटा हो गया ना, इसके लिए डॉक्टर साहब ने चेक कर लिए, अभी हम जा रहे हैं घर। यहाँ पर देखिए विक्स विक्स, ये बच्चों का रहता, बड़ों का इसमें, और ये बड़ों का है। ये एक दे दो और एक वो दे दो, ऑल आउट मच्छर का। अरे उधर है ना हमारे पास, तो ये लू। हाँ ये ले लो, ये दे दो। कॉटन है? नहीं नहीं सर, रख ले। ये मैं पूछ रही हूँ इसकी MRP जितने उतने में ही है क्या? ये देखिए, हम लोग अभी जा रहे हैं वापस घर पे। अभी इसके अब अंदर अंदर गली से लेके जा रहे हैं। हम जरा देख के चलो। ये देखिए, इसके अब्बा को रात के 9 के बाद दिखाई नहीं देता है, बोलते इसके लिए डर लग रहा है। ये देखिए, हम लोग आ गए हैं एक्वेरियम में। यहाँ पे देखिए कितने फिश है, कितने प्यारे प्यारे कलर कलर के फिश है। देखो रयान लेकर आया है, कौन सी फिश होना चाहिए? बेटा फिश, ये तो गोल्ड फिश है ना। अलग ही कितने अच्छे रहे, छोटे छोटे। ये कितना? ज़ेब्रा फिश 10 रुपए। अभी कौन सा क्या ले रहे? ये अपने को मालूम होगा क्या? हम लोग कर सकते हैं, पानी डाल के देखेंगे किधर चीरा थोड़ा लगा क्या थोड़ा ना। मैं तुम्हारे पास ही लेके आती ना, आप एक मिनट में करके दे दो, वेस्ट ना हो जाए। वो चुपचाप नहीं आएगा, वो वेस्ट हो जाएगा।
ये देखिए हमने डॉक्टर को दिखाकर अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर जहाँ से मेरा जैसे मैंने टैंक ली थी फिश टैंक, उनको मैंने बताया कि ऐसा लीकेज हो रहा है, कहीं से फूटा नहीं है, तो ग्लू दे रहे हैं परमेबरी ने, तो आप ही करके दो। तो अभी मैं जाऊँगी घर पे जाके इसके अब्बा के यहाँ से फिश टैंक भेजूँगी, वो रेडी करके देंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए। अभी मैं चलती हूँ घर पर यहाँ से। ये देखिए फिश टैंक है, इसके अब्बा लेके जा रहे हैं, इसको बनाकर लेके आएंगे। फिश वाले से बात करके आए, वो बोला लेकर आओ। बिस्मिल्लाह। कल फिश टैंक रेडी हो जाएगा, कल उसमें मैं पानी डालकर फिर अपनी फिश रखूंगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो एड करने तक इसके अब्बा आ गए लेकर। और अल्लाह हाफिज़।